19 मई को सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। शाम 5 बजे से पहले तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं और रोड शो करते नजर आईं। गोरखपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी के पक्ष में शुक्रवार को शहर में व्यापारी सम्मान रथ यात्रा निकाला गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिव्येंद्र त्रिपाठी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान व्यापारी सम्मान रथ यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल रहे। इस अवसर पर दिव्येंद्र त्रिपाठी ने सम्मान यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के न्याय के साथ व्यापारियों के साथ भी न्याय किया जाएगा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आप लोग बनाएं। व्यापारियों की मसीहा कठिन मुसीहत हंस कर हम खेलेंगे, हिम्मत से तूफानों का रुख देंगे हम। करके जो लोग हमारे साथ आए हैं वो व्यापारी बंधु जो लगातार हमें सहयोग के लिए, अपना समर्थन के लिए हाथ उठाते रहे हैं, हम सब उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर बता रहे हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे नौजवान साथी राकेश यादव जी, हमारे शहर महानगर के अरुण अग्रहरी जी और आप सब लोगों के चहेते भाई मधुसूदन त्रिपाठी जी यहाँ पर आए हुए, वो हमारे पदाधिकारी गण जो फ्रंटल संगठनों के हैं, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय छात्र संगठन और विभिन्न फ्रंटलों के फ्रंटल के संगठन के अध्यक्ष गण। अगर इस देश का सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो इंदिरा जी ने बढ़ाया है। अरे हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि जब देश पाकिस्तान के डोरे टुकड़े कर दिए थे, यही इंदिरा जी थी जब उनके सम्मान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्लियामेंट में उनको दुर्गा और काली कहा था। आज उन्हीं के चरणों में बैठ करके हम कसम खाते हैं कि जब तक ये कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में है। साथियों, हम चाहेंगे, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई अरुण अग्रहरी जी चंद शब्दों में अपने बातें। आज 64 लोकसभा सदर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी के समर्थन में निकले हुए इस रोड शो में सभी शामिल हमारे उपस्थित सम्मानित कांग्रेस जन, आम नागरिक, सम्मानित जनता, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आगामी 19 तारीख के बीच में आपको फैसला करना है कि आपको आने वाले 5 साल विकास के लिए चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए चाहिए, किसानों को खुशहाली के लिए चाहिए, गोरखपुर के सुनहरे भविष्य के लिए चाहिए, नागरिकों में समस्याओं के समाधान के लिए चाहिए या इनके विपरीत चाहिए। शरीर वादे से ऊपर उठ के इनके बहकावों में नाते हुए आप विकास को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के विकास के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए, रोजगार के लिए।